सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। जैसे कि आज दिवाली है एंड यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ, जो कि आज मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट जो है सेटअप एक्चुअली आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जो कि मैं यूज करता हूँ। एंड एक आप अगर छोटे मोटे मेरे जैसे अगर छोटे मोटे क्रिएटर हैं, देन आपको भी इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपको लेना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये सब सारे जो है एक क्रिएटर को काफी हेल्प करती है, वो एक वीडियो को रिकॉर्ड करने से लेकर के एडिट पब्लिश सारी चीज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इस वायर को अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ लाइट के लिए मैंने यूज की है। यहाँ से लेकर के मैं अभी काफी कम्प्लीटली जो है काफी सारे जो है गैजेट्स हैं जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे एंड हो रही है। सारे गैजेट्स में अभी यहाँ पे आगे चल के आपसे शेयर करने वाला हूँ, इन सबके डिटेल्स में आपसे शेयर करूंगा एंड सारे के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इनमें से बाई चांस कोई आपको पसंद आती है, इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ पे मैं एक ये स्टार्ट करूँगा। ये एक वायरलेस चार्जर है जो कि आईफोन एक्सेट्रा या फिर जो भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उनके लिए है। ये अंडर 300 रुपीज़ में ये है, काफ़ी अच्छा खासा एक प्रोडक्ट्स लगा है मुझे। इसके अनबॉक्सिंग एक्सेट्रा जहाँ यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिंक उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक पेन टैब है, पेन टैब जो एक आती है ये इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ, जो कि इस पर राइटिंग एक्सेट्रा अगर आप डिस्प्ले पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं देन उसके लिए है। एंड जो भी एडुकेशनल रिलेटेड चैनल होते हैं वो लोग इसका काफ़ी जो इस्तेमाल करते हैं। इनकी भी अनबॉक्सिंग अभी जल्दी आने वाली है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। ये मेरी एक डुअल चार्जर है जिसको मैं नॉर्मल यूज़ के लिए करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि मैंने एज ए ही रख लिया है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड ये आईफोन्स की एक कनेक्टर चार्जर है। इसके अलावा मैं एक जो है TWS है जिसका मैं अपनी नॉर्मल यूज करता हूँ। इसके अलावा भी दो ईयरफोन्स हैं, वो भी आगे चल के शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे एक आपको पावर बैंक मिल जाती है जो कि मैं अभी मी की पावर बैंक 10,000 mAh की यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे DJI का एक 3 एक्सिस गैम्बल वाला जो कैमरा है जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक एंड्रॉयड पेन, जैसे कि एक एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं देन इसका यूज कर सकते हैं। काफ़ी जो है ये एक किफ़ायती मैं कहूँगा यहाँ पे एक पेन है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं इसकी निब्स है, जिस पर डायरेक्टली आप जो है लाइक किए अगर आपकी फोन स्मार्टफोन हो तो इस पर डायरेक्टली आप कुछ इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। एंड इस पेन के बारे में तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया। एंड यहाँ पे निकॉन्स की चार्जर है वो कि कैमरा के ऊपर है। कैमरास की बात करूँ तो अभी जो है मैं यहाँ पे दो कैमरा यूज़ करता हूँ। ये अभी निकॉन की कूल पैक्स है L3830, निकॉन कूल पिक्स L830 अभी इसका मैं यूज़ करता हूँ। एंड ये मेरी आसूस की जो है एक वीवो बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं अभी लैपटॉप यूज़ करता हूँ फॉर एडिटिंग पर्पस के लिए। एंड इसके अलावा भी एक और सिस्टम है मेरे पास जिसका मैं अभी आगे चल के आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरी जो प्राइमरी फ़ोन है वो है आईफोन 8 प्लस है, अभी मैं इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ, इसके परफॉर्मेंस जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे जो है एक देख सकते हैं बोट रॉकर्स की 333NC जो है नेक बैंड है, मैं इसे यूज़ करता हूँ प्राइमरी जो है बेसिकली। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक वो TWS में यूज़ करता हूँ, इसके साथ जो है ये यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे वायरलेस माउस है जो कि काफ़ी कम प्राइस अंडर 2000 रुपीज़ में जो है, सॉरी 200 रुपीज़ में जो है यहाँ पे एक RGB कलर बेस यहाँ पे आपको जो है एक माउस मिल जाती है वायरलेस, जो कि मेरे लैपटॉप के साथ बेसिकली कनेक्टेड रहती है। एंड दो यहाँ पे मैं जो है स्पीकर यूज़ करता हूँ, एक जो है नॉर्मल है यहाँ पे आपका अंडर 500 रुपीज़ में एक ब्लूटूथ स्पीकर है एंड बिट ओरिजिनल की है, बिट कंपनी की है। एंड यहाँ पे बोट कंपनी की जो है एक मैं यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी दमदार साउंड क्वालिटी के साथ आती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी ये सिस्टम है जो कि डेस्कटॉप, यहाँ पे फिलहाल अभी जो है डेल की यहाँ पे मैं मॉनिटर यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे एक जेब्रोनिक्स की यहाँ पे कीपैड है एंड यहाँ पे जो है एक आपको रॉगर्स की यहाँ पे वायर ये माउस मिल जाती है, वायर्ड माउस जो कि एक गेमिंग माउस है विद RGB के साथ। इसका भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसके अनबॉक्सिंग्स भी हमारे चैनल पर है, उसको भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सो अब इधर के सेक्शंस में आते हैं जहाँ पे काफ़ी छोटे मोटे आपको जो है प्रोडक्ट्स दिखने को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब जो है बेसिकली यहाँ पे 3 वॉश हैं जो कि आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। ये मैं बहुत काफ़ी पहले यूज़ करता था, इसके बाद थोड़ी एडवांस वर्सन आई तो नॉइस की कलर फिट पल्स यूज़ किया। एंड अभी जो है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वॉच यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जितने भी वॉच थे सारे के गिव अवेज एक्सेट्रा हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे एक पल्स मीटर है जो कि पल्स मीटर मैं चेक करता हूँ ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो है कंपेयर करता हूँ अपने वॉच एक्सेट्रा के लिए, देन उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एंड थोड़े बहुत जो मैं अपने सिस्टम्स पे गेमिंग करता हूँ गेमिंग्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हमारी यहाँ पे जॉयस्टिक है जो गेम्स पर्पस के लिए मैं यूज करता हूँ, ज्यादातर नहीं बट थोड़े बहुत।
अब इधर आते हैं तो ये एक छोटी सी यहाँ पे सिस्टम मैं कहूँगा कैमरा एंड गैजेट्स के लिए है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपका स्टिक्स है जो कि सेल्फी स्टिक है, काफ़ी 3 स्लॉट्स में यहाँ से ये ओपन होती है, काफ़ी लेंथ बड़ी है इसकी, अप्रॉक्स 5 मीटर के ऊपर है। एंड यहाँ से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है डायरेक्टली यहाँ पे, इसको जो है आप इमेजेस एक्सेट्रा क्लिक करने के लिए जो है काफ़ी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। एंड हैजल फ्री जो है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है क्लिक्स होता है। यहाँ पे ये सेक्शंस है जो कि मेरे एक्सेंस कैमरा, जैसे कि मैंने 3 एक्सेस गैम्बल कैमरा जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे अभी DJI की, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये है उसके फॉर वाटर के लिए, जब ये अंडर वाटर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए होल्डिंग है, ये हमेशा वाटर के लेवल पे ऊपर पे रहती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये बैग माउंट्स है, एंड इसके अलावा जो है ये क्लिप्स माउंट है, ये फोर व्हीलर कार माउंट्स या फिर इसको मिरर माउंट्स कहते हैं, ये सब सारे जो माउंट्स है ऑब्वियसली आपको इनमें से बहुत से ऐसे जो है इसको पता होगा। तो ये मैं जब आप आउटडोर की शूटिंग्स वगैरह करता हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकंड चैनल का, वहां पे देख सकते हैं इन सब की वीडियो। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे एक जो है या GoPro या फिर कोई एक्शन कैमरा या फिर जो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ उस कैमरा को यूज करने के लिए यहाँ पे जो है आपको इस तरह के जो एक सेल्फी स्टिक मिल जा रही है, जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट वन जो कि ये मेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं Digitec की यहाँ पे TDR500LW550 तो ये मैं एक यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो कि काफ़ी मेटालिक के बॉडी के साथ आती है, एंड यहाँ पे कुछ कुछ फाइबर फ्रेम है बट मेटालिक के साथ आती है, ये एक ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे जितनी भी लाइट आपको प्रॉपर फोकस मिल रही है ना वो सब मिल रही है, ये एक गुड बॉक्स की यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स है, लाइट है यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइटिंग निकल के आती है। इसका भी मैंने जो है अभी रिव्यू लाया नहीं हूँ बट आपको ला दूंगा। एंड इसको स्टैंड करने के लिए जो है यहाँ पे जो है एक अलग से स्टैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैंड इसके साथ मैंने जो है इसको यूज़ किया है। एंड इसके अलावा जो है एक ये टेबल मैंने इसको बाद में इसको सेटअप किया था, पहले यहाँ पे नहीं था। एंड इसके मैं अपकमिंग्स के बारे में कहूँ तो अभी ये टोटली जो है अभी यहाँ पे मैं अभी सेटअप करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से अभी ये वायर वगैरह यहाँ पे जो है इसको मैं सेटअप करने वाला हूँ। काफ़ी सारे जो है यहाँ पे लाइट्स RGB लाइट्स मैंने जो यूज़ किए हैं, जो कि आप यहाँ पे आप साइड में वॉल पे देख सकते हैं, एक डेस्कटॉप के पीछे है RGB लाइट, एंड सेकेंड वन एक यहाँ पे जो है RGB लाइट है, ये दो ऐसे मैं यूजेस करता हूँ। एंड इसके जो है काफ़ी कम अभी जो है अनफिनिश्ड है, इस पर काफ़ी सारे वर्क करना बाकी है, जो कि यहाँ पे मैं अभी जो है इसको और भी काफ़ी डेकोरेट करने वाला हूँ, प्लेन करने वाला हूँ इसको अच्छे से थोड़ा सा, और कलर वगैरह जो है इसमें डेकोरेशंस लाने वाला हूँ, जिसके बाद जो है सेटअप जो है लुक्स थोड़ी इसमें बहुत जो है चेंजेस आ जाएंगी। तो गाइज यहाँ पे आपने जो है ये सब सारे जो है मेरे सेटअप्स देखे, इक्विपमेंट्स देखे, ये सब मैं अपने यूज़ करता हूँ सारे चैनल्स पे, मैं जैसे कि मेरे 2-3 चैनल्स है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो सब सारे जो है मैं यूज़ करता हूँ। अगर वो चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा इसमें से सारे के जो अनबॉक्सिंग्स है वो चैनल पे हमारे हैं, कुछ कुछ की नहीं है, जैसे कि पेंटब एक्सेट्रा की वो सब नहीं है, वायरलेस चार्जर वगैरह की नहीं है, वो सब अभी आने वाली है। तो वीडियो आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड इसमें से आपका ऐसा कौन कौन सा गैजेट्स है जो कि आप लोगों के भी पास है एंड आप भी उसको यूज़ करते हैं, वो भी मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा था जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में ऑनलाइन टॉपिक्स के साथ।